आज से 8 महीने पहले मेरा गरीना फ्री फायर गेम का जो अकाउंट है वी बैच वाला वो बैन हो गया था। और एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि मेरा अकाउंट बैन हुआ है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि गरीना फ्री फायर गेम के अंदर एक सिस्टम है जो कि आपको बताता है कि आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पर उसके पास एबनॉर्मल एक्टिविटीज दिखा रहा है। अब यार एबनॉर्मल एक्टिविटीज में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई वो हैक होता है। देखो भाई मेरा गेम प्ले चैनल तो है नहीं, मुझे अपना गेम प्ले इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा खेलता हूँ वैसा ही खेलता हूँ, ठीक है। अगर मेरा चैनल गेम प्ले का होता तो उस टाइम पे ये चीज समझ में आती कि भाई तेरा गेम प्ले चैनल है, तेरा गेम प्ले और इंप्रूव करने के लिए तूने अपने अकाउंट में हैक यूज किया है हम लोगों को रेड नंबर दिखाने के लिए, और तू हैकर है इसलिए तेरा अकाउंट बैन हुआ है। बट यार मेरा गेम प्ले चैनल तो है नहीं, वैसे भी बैकग्राउंड में गेम प्ले यूज करता हूँ उसका तो मैं क्रेडिट दे देता हूँ जिसका भी मैंने गेम प्ले यूज किया है। तो जो बंदा मुझे ये कमेंट करने वाला है कि भाई पक्का तूने कोई हैक यूज किया होगा, शायद अब आपको समझ आ रहा होगा अगर मैं हैक यूज करूंगा भी तो हैक यूज करके मैं क्या उखाड़ लूंगा, ना मुझे रैंक पुशिंग करनी है ना मुझे किसी को अपना गेम प्ले दिखाना है। बट एबनॉर्मल एक्टिविटीज का मेन रीजन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यार गरेना फ्री फायर का जो पीसी वाला सिस्टम है बहुत ज्यादा वियर्ड है, साला कब पीसी में क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। और मैंने गाइस वही अकाउंट अपना फ्री फायर जर्नी प्लस यूट्यूब जर्नी भी शुरू किया था, उसमें इतना खतरनाक कलेक्शन है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकती कुछ गलत काम करने की उस अकाउंट के साथ। जो भी हुआ है वो तो मेरे को भी नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन चलो पुरानी बातों को छोड़ते हैं। फाइनली मुझे मेरा अकाउंट वापस मिल चुका है। स्वागत तो करो हमारा। अरे भाई एंट्री थोड़ी राउडी वाली हो गई क्या? गाइस देखो हमारा वीबेज अकाउंट हो चुका है वापस। अरे यार आप लोग कुछ भी कहो भाई, इसका नाम मुस्कान क्यों है ये वो, देखो पहली बात बता रहता हूँ कि ये मेरा सेकंड अकाउंट है, इसमें मेरे को वी बैच मिल चुका है। लेकिन हमारे पहले अकाउंट को क्या हुआ, देखो हमारे पहले अकाउंट में अभी भी वी बैच है और अभी तक तो हमारे मेन अकाउंट से वी बैच निकला नहीं है। लेकिन अगर फ्री फायर के मॉडरेटर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरे को पता है कि फ्री फायर के मॉडरेटर इस अकाउंट से निकाल देंगे वी बैच। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा पहला वाला अकाउंट है उसमें से निकाल देंगे वी बैच को, क्योंकि यार एक साथ दो आईडी में वी बैच पॉसिबल तो है नहीं। और मेरे पास पहले नेम चेंज कार्ड नहीं था इसलिए मैंने नेम चेंज नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास नेम चेंज कार्ड है, लड़की का नाम क्यों रखूं मैं। तो यार मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं क्या नाम रखूँ, अपना पुराना वाला GW मनीष नाम रख लूँ या फिर कुछ और रखूँ। तो फिर मेरे मन में आया क्यों नहीं यार कोई भगवान का नाम रख लिया जाए। तो मेरे मन में आया चलो यार जय श्री राम रख देते हैं, क्योंकि राम जी तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। आप सभी को तो पता ही है भाई राम जी के नाम में कितनी ज्यादा पावर है, आप लोगों ने ये तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, सत्य ही तो कहा यार किसी ने। और शायद हो सकता है श्री राम की हमारे ऊपर कृपा बने और हमारा गेम प्ले हैकर जैसा हो जाए। वैसे तो यार गेम प्ले से मुझे कुछ खास उतना फर्क पड़ता नहीं है, मैं नूब हूं तो नूब ही सही हूं, एक दो हेडशॉट लग जाते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब आप लोग कहोगे भाई आपके पहले वाले अकाउंट का क्या होगा यार, जब चैनल पे व्यूज आएंगे अच्छे खासे, जब हम भी मिलियन पे पहले जैसा व्यूज लाना शुरू कर देंगे तो भाई सब हो जाएगा यार सही। आप समझ सकते हो मेरे बोलने का मतलब क्या है, आप सभी लोग तो मुझसे भी ज़रा समझदार हो तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेपोटिज्म। वेल गाइस हमारी उम्मीद तो ये रही कि हमारा पहला अकाउंट वापस आ जाए, और आप लोग प्रे कर सकते हो तो करो, देखते हैं आने वाले कुछ टाइम में आता है या फिर नहीं आता है। मैंने पिछले 8 महीने से बस वेट ही किया, मेरे से नहीं हुआ इसलिए मैंने नया अकाउंट में वीबैच ले लिया। और बात रही कलेक्शन की तो भाई डायमंड तो मिलेंगी गरीना की तरफ से, तो धीरे धीरे करके कलेक्शन बना लेंगे यार, क्या बड़ी बात। मैं चाहता आपको कलेक्शन दिखाने के लिए भाई अच्छी से अकाउंट खरीद लेता उसमें भी बेच लेता, लेकिन नहीं यार अपना अकाउंट अपना ही होता है, अपने सेकंड अकाउंट में हम करेंगे ना ग्रो। बस आप लोग यार सपोर्ट करते रहना मुझे और बस मुझे भूल मत जाना, मैं ट्राई करूंगा आपको हमेशा अपना बेस्ट देने की कंटेंट के मामलों में। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में सब्सक्राइब करने लायक तो मैंने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, बट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।